मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अर्मला हसन। ऐसे सुबह सुबह इतनी कभी कभी आप अपने ही आप की बात पे हंस पड़ते हैं। अभी मैं अपनी गेस्ट को ये कही थी मैंने कहा जब मैं ऐसा हेयर स्टाइल को बनाऊँ ना कोई ब्रेड कोई पोनी टेल तो मेरी गर्दन ऐसे ही रहती है, मतलब आपको समझ नहीं आता गर्दन क्यों ऐसे रखी हुई है और क्यों क्यों ऐसे अकड़ी हुई गर्दन के साथ आप शो कर रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ जनाब आप सब बिल्कुल ठीक होंगे मज़े में होंगे और हमारा शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 9 से 11 बजे तक आपका हमारा साथ रहने वाला है और हमने आपके साथ ढेर सारी बातें करनी है, रिसर्च शेयर करनी है और आज चूँकि हम थोड़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन इस तरह से करने वाले हैं कि फर्स्ट सेगमेंट भी हमें गेस्ट ज्वाइन करेंगे जो आपकी डाइट के हवाले से आपको बताएंगे क्योंकि मौसम बदलता है ऐसे में आपकी जो डाइट के पैटर्न्स हैं वो भी बदल जाते हैं, कुछ रूटीन भी अपसेट हो जाती है, उस पर हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले जनाब मैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से आपको खबर दूंगी कि एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी ने फिजा में उड़ने वाली मुसाफिर बस जनाब मुतारफ करवा दी और उसका कामयाब तजर्बा किया है। जदीद गाड़ियाँ तैयार करने वाली ये कंपनी है जिसने ट्रैफिक को जो है उसकी बढ़ती हुई शरह को मद्देनजर रखते हुए 2 वर्ष कबल इसका ऐलान किया था इस मुसाफिर बस का। बिलाखिर उन्होंने इसका कामयाब तजर्बा भी कर लिया है और इसकी जो कह लें एक टेस्टिंग परवाज़ है वो वर्जीनिया में की गई और गाड़ी के टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त इसे 2 तरीकों से जनाब कंट्रोल किया जा सकता है। पहला ये कि इसे टेक्निकल टीम जो है कंट्रोल रूम से बैठ कर ऑपरेट करेगी या दूसरा ये कि मुकम्मल तौर पर ड्राइवर पर डिपेंडेंट होगी। और बस जो है जनाब बिजली की बैटरी से चलने की सलाहियत रखती है और एक बार चार्जिंग के बाद 50 मील का सफर भी है जनाब वो आसानी से तय कर सकती है। दूसरी जानिब जो बोइंग के सीईओ ने कहा है, इस जो बस के ऑनर उन्होंने सीईओ ने कहा है कि हमने फिजा में परवाज करने वाली दीगर बसों की भी तैयारी शुरू कर दी है जिनका तजर्बा आइंदा बरस किया जाएगा। और जनाब टेक्नोलॉजी पर नजर रखने वाले माहिरीन ये भी कहते हैं कि 2040 तक जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं उनकी जानिब से हैरान कुन इजादात सामने आएंगी और इसके लिए तकरीबन 600 खरब से जायद का जो बजट है वो मुख्तस भी किया गया है। इस गाड़ी को जनाब ऑनलाइन टैक्सी सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज हैं उनको फरोख किया जाएगा। अलबत्त इस बात का ऐलान ज़रूर कर दिया गया है कि इसका जो फेयर है यानी कि किराया वो इतना कोई कम नहीं होगा, तकरीबन £500 तक होगा और इसकी परवाज़ जो है जनाब 30 फुट बुलंद परवाज़ करने की सलाहियत रखती है। ये बस जो मुसाफिर बस है इसको छोटा जहाज़ कह सकते हैं आप इस तरह से, इसमें 7 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो बैठ सकते हैं। तो जनाब ये देख लें कि आपने सोचा कभी उड़ के आ जाऊँ, क्या आप किसी को गुस्से में नहीं कहते कोई कह रहा है लेट हो गया तो आप कहते हैं उड़ के आ जाऊँ तो कहेंगे हाँ आ जाओ, मतलब आपके पास उड़ने वाली बस भी है। तो ये जनाब कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की और उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले सालों में हमें कुछ चीज़ें ऐसी मज़ीद भी नज़र आएंगी। अच्छा जी, अब अमेरिका ही के हवाले से आपके साथ एक खबर और शेयर करेंगे कि अमेरिकन एक स्टेट में जनाब मौसम सरमा की मुनासबत से मुख्तलिफ किस्म के बर्फानी जो किले हैं वो खोल दिए गए हैं। किले क्या हैं बेसिकली, यहाँ पर जनाब हर साल की तरह इस साल भी अमेरिकन स्टेट में मुख्तलिफ मकामात पर आवाम की तफरी के लिए बर्फ के किले बनाए गए थे और हर किले में खूबसूरत मुजस्मे हैं, बर्फ के तख्त हैं, बर्फानी जो कहने काने हैं, झूले और फवारे बनाए गए हैं जनाब। और इसमें तकरीबन एक किले की तामीर में तकरीबन 2.5 करोड़ पाउंड बर्फ इस्तेमाल की गई है और इन्हें दर्जनों माहरीन ने दिन रात की मेहनत के बाद तैयार किया है। इन किलों को खूबसूरत मजीद बनाने के लिए LED लाइट्स भी जनाब इसमें रोशन की गई हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और बर्फ के ऑब्वियसली वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है तो टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए भी एक एटमोसफेयर चाहिए होगा और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जनाब ये हमने आपको बता दिया, इसके साथ साथ अक्सर जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनकी जनाब हमेशा ये ध्यान लगा होता है घरों में कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे घर में अफराद हैं वो क्या कर रहे हैं और इसी सोच में आपका पूरा दिन ऑफिसेज में गुजर जाता है और सारा कुछ हो जाता है। तो इसी हवाले से एक रोबोटिक कुत्ता भी जनाब मुतारफ करवाया गया, उसके हवाले से वो आपको मजीद भी बताएंगे और वो ये कि ये कुत्ता जो है पहले से सेट की गई हदायत के मुताबिक घर में घूमता फिरता रहेगा और घर वालों को चेक करेगा, घर में मौजूद बच्चों की निगरानी भी करेगा और दीगर पालतू जानवरों की निगरानी भी करेगा। तो जनाब ये देख लें रोबोटिक चीज़ें किस कदर जो हैं वो कारामत साबित हो सकती हैं। और ये कुत्ता बनाया गया, इसमें कैमराज और सारी चीज़ें फिट की गई हैं जो आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पर जिसको ऑपरेट भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, आपको पता लग सकता है आपके घर में क्या एक्टिविटी हो रही है, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं और दीगर जो आपने पेट्स रखे हुए वो क्या कर रहे हैं। कुछ हमारे डाइटरी पैटर्न्स और सारे चीज़ें भी बदलती हैं, क्लाइमेट चेंजेस का आपकी सेहत पर आपकी डाइट पर भी कुछ इफेक्ट आता है। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया महमूद ने हमें ज्वाइन किया,
वेलकम टू द शो जवेरिया, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक। जवेरिया, आपका कलर बहुत प्यारा है ड्रेस का। थैंक यू, बट आई एम फैन ऑफ योर कलर क्योंकि मुझे कलर कॉम्बिनेशन हमेशा से बहुत पसंद है। अच्छा जवेरिया, हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, मौसम के बदलने की बात करते हैं, हमारे कुछ डाइटरी पैटर्न्स भी बदल जाते हैं डेफिनेटली। जी बिल्कुल, उस हवाले से क्या बताएंगे? देखिए अमिला, जैसे मैं आजकल देख रही हूँ बहुत सी सीजनल डिजीज आ चुकी हैं, जैसे कॉलरा है, फ्लू फीवर्स हैं, या डिफरेंट किस्म के टेम्परेचर लोगों को हो रहा है। उसमें आप ये देखें कि आपकी जो कुव्वत मुदाफ़ा जिस पर हमने बात एक दफ़ा की थी, अगर वो स्ट्रांग नहीं होता तो आपको बीमारी बार बार अटैक करती है, और उसमें क्या करते हैं आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा वीक होते जाते हैं। आपको लगता है मैं अब कौन सा फूड खाऊं, क्या चीज़ लूं जिससे मेरी बॉडी में एनर्जी आए, ताकत आए। तो क्लाइमेट चेंजेस के साथ हम लोगों ने कॉप अप करना है, हमने उसके साथ उसको ओवरकम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपके माइक्रो मिनरल्स हैं, आपके फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके अमिला आप एक चीज़ देखें कि चाहे इंसान बीमारी से रिकवर होना चाहे या फिर वो किसी भी ऐसे डिसऑर्डर में होने के बाद जब उसको ओवरकम करता है तो वो उसके पास खुराक एक बड़ा ज़बरदस्त एक जो हेल्थ वेलनेस और न्यूट्रिशन एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल टूल है, और इस टूल को इंटेलिजेंटली अपनी प्लेट के थ्रू यूज करना ये आपके हाथ इख्तियार में, अपने इख्तियार में, और ये भी आपके इख्तियार में कि अगर आप एक दफ़ा बीमार हो गए, आपको फ्लू फीवर हो गए, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा वायरस आया है और हर दूसरा इंसान जो है वो एंटीबायोटिक्स और चीज़ों पर है, पर एंटीबायोटिक भी अगर एक चीज़ को ठीक करती है तो दो चीज़ें और खराब भी करती है। पर अगर उसी को अगर आप, यहाँ मैं बताती चलूँ कि आप न्यूट्रिशनली उसको अगर ठीक करते हैं, उसकी क्यूरेटिव प्रिवेंटिव मेयर्स की तरफ जाते हैं, तो इट विल हेल्प्स आउट यू मोर ब्यूटीफुल वे। तो यहाँ बताती जाऊँ कि वो लोग जिनको खांसी है, जिनकी चेस्ट में पेन है या गले का दर्द है, वो थोड़ी सी जिंजर, गार्लिक, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और साथ में मस्टर्ड पाउडर, ये तमाम चीज़ें ऐड करके उसका कहवा पिए। सिनेमम, बीटरूट और स्पिनिच जूस जो है वो इंस्टेंट एनर्जी के लिए है। बहुत से लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, थक जाते हैं, वो कहते हैं मतलब लाइक टू से दैट जो जिनकी बहुत हाइपर एक्टिव है और वो बीमारी में है, उसके बाद रिकवर होने के लिए उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास सीजनल जूसेज हैं आजकल, ऑरेंज जूस है, ग्रेप फ्रूट जूस है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं, लोग स्पेंड ही नहीं करना चाहते, वो पोमग्रेनेट यानी नार का जूस, रेड अनार लें, वाइट अनार को निकालो, सबसे बड़ा अनार निकालो इशू बिल्कुल होता है, पर ये कि आपने जहाँ पे आप रेड अनार लें, वो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, उसकी तासीर भी मुझे लगता है बिल्कुल। आप ये देखें कि वो पाकिस्तान वो कंट्री जहाँ पे गजाइयत और लज्जत आपके फल में पाई जाती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे फ्लेवर नहीं मिल रहा, मतलब फ्लेवर भी है, टेस्ट भी है, और साथ में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, और फिर भूल जाते हैं और कुछ नहीं फिर भूल जाते कि लेना, तो टॉइसा भी जरूर लीजिए, या फिर ग्रेप जूस जो है या ग्रेप्स हैं वो जरूर कंज्यूम करें, हेल्दी सैलड्स जो हैं वो लंच बॉक्सेस में अपने ऐड करें, मतलब ठीक है आप चपाती ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, पर आपकी जो बॉडी रेगुलेशन है, आपका मेटाबॉलिज्म है, जो आपकी इंस्टेंट एनर्जी है, क्योंकि देखिए डिजीज आ गई है ठीक है, पर अब इस तरह नहीं है कि आप उसको लॉट ऑफ आप देखें कि सप्लीमेंटेशन और चीज़ों से आप उसको, आप कह रहे हैं मैं गोलियों पे गोलियां खा रहा हूँ तो मुझमें ताकत आ जाएगी, इस तरह से कुछ नहीं है। ये हमेशा आपकी इम्यून पावर स्ट्रांग होती है, फिर आपकी विल पावर होती है कि आपने इस बीमारी को कॉप अप करना है। फिर आपको ये नो हाउ होनी चाहिए कि कुछ जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है कि कार्बोनेटेड चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, अडल्ट्रेटेड मिल्क भी उसमें आता है, क्योंकि जो जो चीज़ें मिलावट शुदा हैं वो आपको आपकी बॉडी को स्लो डाउन करती हैं, और इवन आप बीमार होते हैं तो वो आपका कोई और जर्म डेवलपमेंट भी आपकी बॉडी में करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि हम लोग खाने पीने के साथ जिंदा है और इसका फ्यूल एंड इंजन फॉर अवर बॉडी, तो अमिला बहुत ज़रूरी है कि बॉडी की एनर्जी के, इट्स नॉट अबाउट द बूस्टिंग ना, आपने कम से कम जहाँ भी ईटिंग आउट कंसेप्ट है या ईटिंग एट होम है, आपने अपने आप को देख के कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी आपकी नीड्स हैं, कितना आपका जो आपकी बॉडी है वो उसमें कौन सी डेफिशिएंसी है, आपको लगता है आपका कलर पेल है, आप इवन मेकअप भी कर रहे हैं तो सूट नहीं कर रहे, तो इट्स लाइक टू से दैट यू आर पेल और आप में एनीमिक है। और कुछ लोगों को ये भी लगता है मिथ समेत कि अगर आप पीले हैं और आपको लगता है बहुत गोरे हैं, बट थिंग्स आर लाइक दिस अमिला, कि हम लोग जो हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, स्पिनिच जो है वो वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड बेस्टेस्ट सोर्स है फॉर द वाइटामिन के और आयरन, उसके स्पिनिच, मिंट, पुदीना लें थोड़ा सा उसमें, वन एक लेमन स्क्वीज करें, वाइटामिन सी आ गया, अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी ड्रिंक लेते हैं तो आपका जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो उसका काउंटअप करने लग जाता है। तो सर यहाँ पे मैं एनर्जी बूस्टिंग फूड्स की कुछ लिस्ट बताना चाहती हूँ, जिसमें एक नंबर वन पे डार्क चॉकलेट आता है, क्योंकि थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बट सिक्स थिंग्स आर लाइक दिस कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है।
अब मिल्क चॉकलेट की बात करें, इंस्टेंट एनर्जी बूस्टिंग बिल्कुल है, पर उस तरह से ताकत नहीं होती और फिर वेट भी उससे बिल्कुल वेट भी गेन होता है, क्योंकि मिल्क चॉकलेट होती है और उससे फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। उसके साथ ही साथ बनानाज इंस्टेंट सोर्स हैं, बनानाज यानी जो केले होते हैं, अगर आप दो डेली टू, वो आपको सीरोटोनिन हार्मोन भी, क्योंकि और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है आपने स्ट्रेस नहीं लेना, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी एनर्जी रहेगा। आजकल के दौर में तो बहुत ही मुश्किल है, स्ट्रेस ना रहे, बच्चे भी स्टूडेंट्स भी स्ट्रेसफुल हैं। और आप ये देखिए, जब आप स्ट्रेस लेते हैं आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, जब आप खुश होते हैं यू आर इन द एक्जेक्टली, आपकी एनर्जी फॉरन जैसे जैसे कोई निचोड़ लेता है, इट्स लाइक दैट। और साथ में लिटिल बिट कैफिनेटेड ड्रिंक्स, यू कैन से ब्लैक कॉफी अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं। यहाँ मैं बताती चलूँ कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और ओमेगा 3 जो फिश में पाया जाता है और फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज में पाया जाता है, उसकी एक चुटकी अगर आप वन पिंच ले लें बिफोर ब्रेकफास्ट एंड एम्प्टी स्टमक, वो भी आपकी एनर्जी को काफ़ी हद तक बूस्ट करता है। और यहाँ मैं बताती चलूँ कि तमाम फूड ग्रुप्स के बाद अगर हम बात करते हैं मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स की, तो उसका भी 1/4 पोर्शन आपकी डाइट में ज़रूर ऐड हो। चाय का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, तकरीबन 1-2 कप इससे मिनिमम मैक्सिमम। और चाय को खेती में मुंह दर्द कर लेती हूँ। और अर्मिला, थिंग्स आर लाइक दिस, के एनर्जी का जो डायरेक्टली ताल्लुक है वो आपके ब्रेन के साथ है, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट के साथ है। लाइफ के डिफरेंट सेंस में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यू हैव टू कॉप अप विद दिस, बट इवन के यू आर, अगर आप बड़े किसी बहुत बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम में, आपको सडन इंजरी हो गई या यू हैव बीन टू सर्टन डिजीज और पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में भी जिस समय जानी होती, तो थिंग्स आर लाइक दिस के जहाँ पे आप अच्छी खुराक के साथ अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, आप वहाँ पे ही उसको प्रॉपरली जो कैलोरी काउंटेड डाइट प्लान को भी कंज्यूम करके अपना हेल्थ गोल्स अचीव कर सकते हैं। अच्छा जुवेरिया, हमारे जो नॉर्मल रूटीन, मैं आपसे पहले भी शायद ये सवाल कर चुकी हूँ, ड्राई फ्रूट्स का जो इस्तेमाल है वो हम कहते हैं सिर्फ सर्दियों में ही करना चाहिए, अभी आप सारी चीज़ों का बता रही थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं? अर्मिला, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, उनको फ्लू फीवर्स भी होते हैं, तो वो कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए देसी अंडे और ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की वो चीज़ें बिल्कुल हेल्प आउट करती हैं, पर ये कि फिर भी अपनी लिमिट पोर्शन में। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी, चाहे वो यंग जनरेशन के लोग हैं, कि मैंने बहुत से लोगों को देखा जब उनको पता चलता है एग योक तो कोलेस्ट्रॉल ही है, वो बिल्कुल छोड़ देते हैं, वो कहते हैं हम भी नहीं खा रहे, ठीक है बड़ों ने तो छोड़ी हुई है, उन्होंने तो एंजियोप्लास्टी कराई हुई है, पर आपने तो नहीं कराई हुई, आपकी तो नीड है, आपने जो फुल न्यूट्रिएंट्स हैं आप उसकी, मतलब यहाँ मैं बताना चाहती हूँ कि अंडा जो है जर्दी समेत कंप्लीट लें, देसी एग फुल कंज्यूम करें, फुल का मतलब है एग योक एंड एग वाइट दोनों। उसके साथ जैसे आपने नट्स की बात की, तो नट्स भी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये पूरे 12 महीने कंज्यूम करने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सर्दियाँ हैं और उसमें कंज्यूम करें, क्योंकि इनमें जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, और क्योंकि देखिए मैं आपको एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ, डिफरेंट जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंटेशन है या जो जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन के नाम से एल कार्निटाइन है और इसके अलावा कई चीज़ें जो एसेंशियल अमाइनो एसिड है, ये तमाम अमाइनो एसिड अगर आप हैंडफुल ऑफ नट्स, मतलब इफ़ यू आर मी, हम इफ़ वी आर यंग, और लोग ऐसे अक्सर मतलब कहते हैं यंग बच्चियाँ इनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, ये रिकमेंडेड है लेटर ऑन एज के लिए, पर फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ तक मेरी रिसर्च और इसका पूरा एक वो स्टडी है, वो ये है कि एलिमेंट्स 12 डेली इन योर डाइट, 12 बादाम डेली आप खाएं, छिले हुए बादाम खाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर उस पर वो प्रिजर्वेशन टेक्निक से उसको नमक लगाया जाता है तो उसको वॉश कर दिया जाए, क्योंकि वो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए होता है, वो आपको कंज्यूम करने के लिए नहीं होता, क्योंकि वो आपको ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि कैश्यू नट्स हो गए, हेजल नट्स हो गए, वॉलनट्स हैं, उसके अलावा किशमिश यानी रेजिन हो गई। अच्छा, ये तमाम चीजों का आप इवन एक स्मॉल सा बॉक्स जिसको आप खत्म ना होने दें, मिक्स करके आप अपने बैग में रखें, आपका कहीं पर शुगर डाउन होता है तो यू कैन टेक लाइक इंस्टेंट एनर्जी। अच्छा, उससे बेहतर है जो कि आप बेकरी आइटम्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, मतलब फिजी ड्रिंक्स, या फिर उसके अलावा जो डिफरेंट आप अनहेल्दी स्नैक्स कंज्यूम करते हैं, दिस इज द वन ऑफ द हेल्दीएस्ट स्नैक्स, यू कैन ऐड इवन योर इन योर प्लेट इन योर डाइट, आप उसमें भी ऐड कर सकते हैं, आपको पता है मैंने अभी ये मील खाना है। अच्छा, उसी को ऐड करने से आपकी 1000 कैलोरीज भी होंगी, आप बड़ा बेसिक मील भी लेंगे और साथ में आपका ये जो कंसेप्ट है कि इसको इस एज में या इस टाइम पर नहीं लेना, वो भी आपका बिल्कुल। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट गलत है ना कि बच्चों को नहीं देते, बड़ों को नहीं, बिल्कुल सबको क्वांटिटी। आप ये देखिए जो छोटे बच्चे हैं, जब आफ्टर वीनिंग प्रैक्टिस जहाँ पे इंट्रोड्यूस टू सॉलिड फूड स्टार्ट करवाते हैं 1 ईयर में, तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा मैश अप करके, थोड़ा सा हलवे में
चीज़ में बादाम अखरोट उसकी खीर खिलाई जाती ताकि उसकी ब्रेन डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी हो सके। ये कहीं पे भी अर्मिला मेंशन नहीं है कि आप जो है इस चीज़ को इस एज में स्टिकअप कर सकते। हाँ अक्सर ये कहा जाता है ना गर्म है, इसकी तासीर गर्म होती है, बच्चों को नहीं देना है, लेकिन क्वांटिटी में डेफिनेटली वेरी करते हैं। लेकिन उससे अच्छा जवेरी आप एक पोर्शन साइज होता है प्लेट में, हमें पता है कि हमने नाश्ते में ये चीज़ लेनी है। अगर हम नाश्ते की स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि इस मौसम में जैसे मैं बता रही हूँ कि आपने भी अभी कहा कि ये सारी चीज़ें, अब कुछ बुखार हो गया, नज़ला जुकाम, नाश्ता एक हेल्दी होना चाहिए, नाश्ते के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? यहाँ मैं बताती चलूँ कि ब्रेकफास्ट, डू ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स एंड डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट आइदर इफ़ यू एंड मी लाइक पीपल जो कि सुबह सुबह उठते हैं और हम अक्सर भूल जाते हैं कि तेज़ी में रूटीन इस तरह की होती है। इसी तरह बहुत से लोग जिन्होंने अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज वाला सिस्टम है और वो अक्सर औकात कुछ चीज़ें तो बिल्कुल वो पकड़ते हैं और दे आर इन टू हरी और ब्रेकफास्ट स्किप होता है, पर उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप करके रख सकते हैं। एक तो आप रात को ओवरनाइटली जो कि कुछ ग्रीन येलो या रेड लीफी वेजिटेबल्स का डिटॉक्स पाउडर आप रात को ही बना के रखिए ताकि सुबह अपने साथ लेके जा सके। साथ ही साथ आप जैसे अभी हमने एक बंच फ्रूट्स एंड नट्स का एक कॉम्बिनेशन आपका वो रेडी होना चाहिए ताकि आप इंस्टेंटली सुबह के मील में वो कंज्यूम करें, वो हेल्दी भी होगा और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है और उसका न्यूट्रिएंट और कैलोरी डेंस भी है। आफ्टर मतलब आफ्टर 9 or 10 o'clock यू कैन गो विद द ब्रेकफास्ट जिसमें आप देसी एग लें, ब्राउन ब्रेड लें, वाइट ब्रेड जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छी नहीं है, और इफ़ यू गो विद द यू कैन से एनी सॉर्ट ऑफ मल्टीग्रेन ब्रेड टू मिलेट ब्रेड है और डिफरेंट ब्रेड्स हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी एक्सेसिबिलिटी, आप उस एरिया में रहते हैं या पे एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं है, तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं। फ्रूट लेना मत भूलें तकरीबन 10 से 12 के दौरान, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की कंट्रोल योर पोर्शन साइज, जैसे भी अपने बात की, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा दो चपाती की जगह अगर एक कर लो और एक से हाफ कर लो तो वो आपके वेट पे हेल्प आउट करती है, और इसी तरह अगर राइस की हाफ प्लेट है और वन प्लेट है तो उसमें भी डिफरेंस है। तो पोर्शन साइज, चाहे आप ईटिंग आउट का कंसेप्ट है या पोर्शन साइज आप घर पे ले रहे हैं या आपकी ब्रेकफास्ट प्लेट में है, पोर्शन साइज मीन टू से दैट कि किसी भी चीज़ की एक्सेसिवनेस और डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में मेल न्यूट्रिशन करती है, यानी आप आपकी जो है आपको मेल न्यूट्रिशन की तरफ लेके जाती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस भी चीज़ का पोर्शन लें, सब चीज़ें लें, थोड़ी थोड़ी लें, हाईली स्पाइसी ना करें कभी भी अपने फूड को, इवन आप ब्रेकफास्ट में तो बिल्कुल स्पाइसेस ना लें, प्लेन कार्बोनेटेड वाटर कभी भी कंज्यूम ना करें खाली पेट और एम्प्टी स्टमक, 4 glass पानी हर मील के साथ जरूर लें, दरमियान में आगे पीछे तकरीबन 12 glass हो जाते हैं, आइदर सर्दियाँ गर्मियाँ कोई भी वेदर है तो यू कैन गो थ्रू विद इट। और फ्रेश रहने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी के लिए बेहद ज़रूरी है कि पानी का इस्तेमाल, पानी के इस्तेमाल के साथ साथ अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सीजनल आप यूज़ करते हैं तो इट्स मोर गुड फॉर। अच्छा जवैया, अभी जैसे आपने कहा कि अब नाश्ता आपका बड़ा ठीक ठाक होना चाहिए, नॉर्मली लोग बहुत ज़्यादा पूरे दिन में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ये किस हद तक ठीक रहता है? बिल्कुल कुछ लोगों को इट्स कॉल्ड द स्टार्वेशन प्रोसेस और हंगर अटैक्स होते हैं, कुछ लोगों को स्वीट हंगर अटैक्स होते हैं, कुछ लोगों को सॉल्टी होता है, क्योंकि मेरे तक अक्सर लोग पहुंचते हैं तो वो कहते हैं वी वर्क लेट और वी गो विद द दिस स्नैक, रात को बैठ के खाए जाओ। एक इंपॉर्टेंट चीज, रात को मुझे ना क्रेविंग हो रही थी और मैं चॉकलेट्स खाए जा रही थी, यू टेक अ लॉट ऑफ 5 to 6 chocolates खा ली, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने बहुत सारी खा ली है, यू नीड द आपका शुगर लेवल लोअर, यू नीड द, नहीं मुझे इतनी क्रेविंग हो रही थी और खैर पड़ेगी मुझे, मेरे बस मैं खाती गई तो ये वाले भी रात को ये भी बिल्कुल हंगर स्वीटिश एंड सॉल्टिश हंगर अटैक है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट अवर ब्रेन, और ये जो आपकी ब्रेन मतलब इट्स कम अप फ्रॉम योर वेगस नर्व, ना आपकी वेगस नर्व वो मैसेंजर है जो आपकी आपके स्टमक को स्टिमुलेट करती है, और यू आर थिंकिंग अबाउट द फूड की व्हाट शुड बी इन योर प्लेट और नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए। अच्छा वी ऑलवेज थिंक अबाउट दिस थिंग, पर आप ये देखिए ईट हेल्दी इज अ सेपरेट थिंग, पर ईट फ्राइड एंड वेरी बैड थिंग्स आर इज अ सेपरेट थिंग। पर देखिए जब भी आप सोचते हैं कि यार अच्छा आप पहले अफोर्डेबिलिटी, आप बजट भी देखते हैं, आप एक्सेसिबिलिटी भी, कि वहां से मिल जाएगा, ये तमाम चीजें देखने के बाद ये जरूरी होता है कि यू कैन गो विद द हेल्दी ईटिंग चॉइसेस दैट लीड्स यू टू द वंडरफुल नेशन। लवली, थैंक यू वेरी मच जवैया, बहुत शुक्रिया सुबह इतनी अच्छी टिप्स बताने की। जनाब और जवेरिया ने आपको बता दिया कि मौसम बदल रहा है, आपकी सेहत पे भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, बेहतर है कि एहतियात की जाए और एहतियात के लिए अच्छा और हेल्दी खाना खाया जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।